So good morning student, today we will cover the rest part of the story Kabuliwala. तो पिछले पेज में हम लोगों ने देखा था कि रहमत और काबुलीवाला और मिनी में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है. वो दोनों मिल करके काफ़ी देर तक बातें करते हैं और जो रहमत होता है, जो काबुलीवाला होता है, उसको भी मिनी में अपनी बेटी दिखाई देता है. अब हम लोग उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे. अब जब रहमत कहता था, मिनी से पूछता था कि तुम ससुराल कब जाओगे, तो मिनी जो है वो उल्टे आवाज़ में, मतलब दोबारा वो खुद पूछती थी रहमत से कि तुम कब जाओगे. तो बदले में जो रहमत है वो क्या कह रहा है, हैविंग हिज बिग फीस्ट इन द एयर आई विल वेलकम माई इन लॉज. वो कहता है कि वो क्या करेगा, अपने मुट्ठी को दिखाते हुए, अपने मुक्के को दिखाते हुए कहता था कि वो अपने इन लॉज को, मतलब ससुर को क्या करेगा, मारेगा. दाओ आई लॉन्ग टू ट्रेवल आई हैड नेवर बीन अवे फ्रॉम कोलकाता. आगे है वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जितना भी घूमा है, जितना भी भ्रमण किया है, उसमें से उन्होंने कभी भी जो है वो कोलकाता के बाहर नहीं गए हैं. आई यूज टू मिटिगेट माई डिज़ायर फॉर ट्रैवलिंग बाई टॉकिंग टू दिस मैन फ्रॉम काबुल इन द मॉर्निंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई राइटिंग टेबल इन माई लिटिल रूम. आगे जो वो कहते हैं कि वो अपने जाने की इच्छा को क्या करते हैं, कम करते हैं, घटाते हैं. कैसे, जब इस व्यक्ति से जो काबुल का है उससे सुबह में बातें करते हैं. मतलब वो बता रहे हैं कि जो राइटर जो बता रहे हैं कि वो सुबह में क्या करते हैं, वो रहमत से बातें करते हैं, काबुली वाला से बातें करते हैं. और कहाँ, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई राइटिंग टेबल इन माई लिटिल रूम. जो कहाँ बैठा होता था, जो राइटर के, जहाँ राइटर बैठे रहते थे जो छोटे से रूम में, जो और वो जहाँ पे लिखे रहते थे, उसी टेबल के बगल में काबुली वाला बैठे रहता था और वो बातें करते थे. द काबुली वाला टोल्ड मी स्टोरीज ऑफ हिज होमलैंड इन हिज ब्रोकन बंगाली एंड आई फैंसीड इट ऑल बिफोर माई आईज, टॉल रग, इम्पैसिबल माउंटेन्स ऑन टू रोड साइड्स, रेड हॉट विथ टॉरिड हीट एंड अ कारावैन मूविंग थ्रू द नैरो डस्टी पैसेज वे इन बिटवीन टर्बन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स पासिंग बाय, सम ऑन कैमल बैक, अदर्स ऑन फीट, अदर्स ऑन फूट, सम कैरिंग स्पीयर्स एंड अदर्स आउटडेटेड फ्लिंट स्टोन्स गन. अब कह रहा है कि आगे बता रहे हैं कि वो क्या क्या बातें करते थे. तो जो काबुली वाला होता था वो उनको अपने घर की कहानियों को बताता था, मतलब अफगानिस्तान की कहानियों को वो क्या करता था, बताता था अपने टूटे फूटे बंगाली में. और उन कहानियों को सुन करके जो है जो राइटर थे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे. वो बताता है, क्या वो बताता था, कि वो जिस तरह से वो कहानियों को आगे रखता था, कैसे रखता था, वो बताता है कि टॉल, रग्ड मतलब होता है उबड़ खाबड़, खुरदुरा होना, और इम्पैसिबल मतलब होता है कहीं, इम्पैसिबल मतलब होता है उबड़ खाबड़, और रग्ड मतलब होता है खुरदुरा, जो सॉफ्ट नहीं हो. तो वो क्या बताता था कि लंबे खुरदुरे उबड़ खाबड़ पहाड़ जो हैं वो सड़क के दोनों किनारे होते हैं, रोड के, सड़क तो नहीं है, मतलब दोनों किनारे पे फैले हुए थे. ये कहाँ की कहानी बता रहा है, ये अफगानिस्तान की कहानी बता रहा है, काबुल की कहानी बता रहा है. और क्या बता रहा है, रेड हॉट विथ टॉरिड हीट. अब कह रहा है रेड हॉट मतलब वहाँ पे सैंड को कह रहा है, सन को कह रहा है, और टॉरिड हीट मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट होना. एंड अ कैरावैन मूविंग थ्रू द नैरो डस्टी पैसेज वे इन बिटवीन. और इन दो हिल्स के बीच में क्या चल रहा है, कैरावैन चल रहा है. क्यों, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि रेगिस्तान में या फिर जो ट्रेडर्स होते थे वो कैरावान में ही चलते थे. डस्टी पैसेज वे इन बिटवीन, डस्टी इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में काबुल में बहुत ही धूल होता है सैंड के कारण. टर्बन ट्रेडर्स का मतलब हुआ कि व्यापारी जो सिर पे पगड़ी बांध रहे होते हैं. आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये जो काबुली वाला है उसने भी क्या रखा है, पगड़ी बांध रखा है. ऑन कैमल बैक, सम ऑन कैमल बैक, कुछ जो है वो ऊँट पे बैठे हैं. अदर्स ऑन फुट, कुछ पैदल चल रहे हैं. सम कैरिंग स्पीयर्स, कुछ जो है वो भाले को साथ में लेकर के चल रहे हैं. एंड अदर्स आउटडेटेड फ्लिंट स्टोन्स गन. फ्लिंट स्टोन्स गन मतलब होता है कि पहले एक फ्लिंट मतलब चमकदार होता है और स्टोन मतलब पत्थर, मतलब कुछ जो है वो पत्थर फेंकने वाला गन्स, मतलब आप कह सकते हो कि जैसे पहले गुलेल भी होता है ना, तो उसी टाइप का गन होता था जिससे क्या किया जाता था, पत्थरों को फेंका जाता था जानवरों से बचने के लिए और क्या किसी पे हमला करने के लिए. एवरी ईयर इन जनवरी और फरवरी रहमत वुड गो बैक टू हिज होम कंट्री टू विजिट हिज फैमिली. अ मनी लेंडर ही वॉज यूजली बिजी During this period, collecting dues from his clients before the trip, he had to rush from house to raise the collectibles, and yet he found time to visit
येट ही फाउंड टाइम टू विजिट मिनी। अब कह रहा है कि हर साल जो रहमत था वो क्या करता था, जनवरी और फरवरी में अपने घर चला जाता था अपने परिवार को देखने के लिए। अब मनी लेंडर ही वॉज यूजली बिजी ड्यूरिंग दिस पीरियड कलेक्टिंग ड्यूज फ्रॉम हिज क्लाइंट्स बिफोर द ट्रिप। और कह रहा है कि अपने ट्रिप पर जाने से पहले वो क्या करता था, बिजी हो जाता था। किससे बिजी हो जाता था, जो भी उसके पैसे उसके क्लाइंट्स के यहाँ, उसके ग्राहक के यहाँ, उसके कस्टमर के यहाँ बाकी रहते थे, वो सारे को कलेक्ट करने में। ही हैड टू रश फ्रॉम हाउस टू हाउस टू रेज द कलेक्टेबल्स। अब उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए, उस चीज़ को पैसे को लेने के लिए क्या करना पड़ता था उसको, हर मतलब हर दरवाजे पर हर घर में जाना पड़ता था। एंड येट ही फाउंड टाइम टू विजिट मिनी, और इसलिए जो है उसको मिनी से मिलने का क्या होता था, समय मिल जाता था। वन मॉर्निंग अबाउट 8 o'clock आई वॉज सिटिंग इन माई रूम एंड रीडिंग सम प्रूफ्स, जस्ट देन आई हर्ड सम कमोशन इन द स्ट्रीट। अब कह रहा है कि एक सुबह की बात है, सुबह के 8 बज रहे थे, वो अपने रूम में बैठे हुए थे और कुछ प्रूफ्स को, कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे, क्योंकि वो नॉवेल लिख रहे थे तो उसके लिए कुछ प्रूफ्स को पढ़ रहे थे। तभी उनको जो है एक शोरगुल सुनाई देता है बाहर गली में। आई स्टेप्ड आउट टू फाइंड आउट व्हाट द मैटर वॉज। वो बाहर आते हैं ये देखने के लिए कि क्या बात है। हियर व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाई इज़ द मैन इन हैंडकफ्स। और वो बाहर आने के बाद क्या देखते हैं कि एक इंसान जो है जो हथकड़ी में बंधा हुआ है। He stabbed Ghosh Babu. He says the man had bought a Rampuri shawl and had not paid for it. Ghosh Babu denied the debt. An argument broke out and he stabbed the man. आगे कह रहा है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है कि घोष बाबू को छुरा घोप दिया है, चाकू लगा दिया, चाकू मार दिया है। He says the man had bought a Rampuri shawl and had not paid for it. वो लिखा हुआ है कि he says the man had bought a Rampuri shawl and had not paid for it। मतलब उसने क्या किया है, घोष बाबू को चाकू मार दिया। क्यों मार दिया है, क्यों, he says the man, किसी ने कहा कि जो ये रहमत था उसने अपने साथ एक क्या किया था, रामपुरी शॉल, रामपुरी चादर लाया था, और इसने क्या किया था, इस चादर को घोष बाबू को बेचा था, और घोष बाबू ने क्या किया कि इसके पैसे जो है वो देने से मना कर दिया। इसी बात पे जो है वो विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, और जो रहमत था उसने क्या किया, घोष बाबू को चाकू मार दी। नाउ काबुली वाला, विल यू बी गोइंग टू इन योर लॉज हाउस। अब जो मिनी है वो काबुली वाला को देख करके पूछती है कि काबुली वाला, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो। तो जो काबुली वाला है वो हंसते हुए कहता है, दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग। देन सीइंग द सीरियस लुक ऑन मिनीज फेस, आई वुड हैव बीटन अप द इन लॉ, बट व्हाट कैन आई डू, माई हैंड्स आर टाइड अप। आगे जो है जो रहमत है वो हंसते हुए कहता है, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ससुराल ही तो जा रहा है। तब वो मिनी के जो है वो सीरियस लुक को मिनी के फेस पे क्या करता है, देखता है। अब जैसा कि वो हर बार ऐसा कहता था और कह रहा है कि आई वुड हैव बीटन अप इन लॉ, उसने क्या किया होता, अपने ससुर को पीटा होता, लेकिन वो क्या करे, ऐसा वो कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ क्या है, बंधे हुए। हर बार वो क्या करता था, इस क्वेश्चन पे वो क्या करता था, अपना मुँह का जो है वो दिखाता था कि वो अपने क्या करता था, कि वो अपने ससुर को मारेगा। और इस बार वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो हैंडकफ्स में क्या थे, बंधे हुए थे। चेंज्ड विथ ग्रीवियस इंजरी, रहमत वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स। कह रहा है कि जो रहमत ने अपराध किया था, इस अपराध के वजह से उसको क्या हो गया, बहुत सालों के लिए जेल हो गया। वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द फ्री स्पिरिटेड मैन फ्रॉम द माउंटेन्स हु वॉज स्पेंडिंग हिज ईयर्स विद इन द सेक्लूडेड वॉल्स ऑफ द जेल। मीनी ईजली फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड एंड फाउंड अ न्यू वन इन नाबी द साइस। आगे कह रहा है कि चूँकि बहुत सालों तक उसको जेल में रहना पड़ा रहमत को, तो कह रहा है कि आगे जो राइटर कह रहे हैं कि हम लोग जैसे उसको भूल ही गए थे। फ्री स्पिरिटेड में जो कहाँ से आया था, माउंटेन से आया था, और उसने क्या किया था, अब माउंटेन से तो आया था और वह भी अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहा था, जेल में व्यतीत कर रहा था। मतलब एकांत अकेला जेल में व्यतीत कर रहा था। मिनी भी जो है उसको बहुत ही आसानी से उसको भूल गई थी। अब उसको जो एक बहुत मतलब ओल्ड फ्रेंड, एक बूढ़े जैसा फ्रेंड मिल चुका था, मतलब एक बूढ़े बाबा मिल चुके थे, न्यू वन जिनका नाम क्या था, नाबी, जो ये क्या थे, साइस थे। साइस उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता था, जो घोड़ा गाड़ी खींचता था, जो घोड़ा चलाता था, उसको साइस कहते थे।
देन एज सी कंटिन्यूड टू ग्रो अप सी रिप्लेस्ड ऑल हर एल्डरली मेल फ्रेंड्स वन आफ्टर अनदर विथ गर्ल्स ऑफ हर ऑन एज. अब कह रहा है कि जैसे जैसे मिनी बड़ी होती गई उसके सारे जो एल्डरली मतलब जो सारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग मेल फ्रेंड थे वो सब चेंज हो गए. किससे? गर्ल्स से चेंज हो गए जो उसके एज के थे. जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने एज के बच्चों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. सी वॉज हार्डली टू बी सीन इन हर फादर स्टूडियो. इन अ वे आई हैड ऑलमोस्ट एंडेड ऑल फ्रेंडशिप विद हर. अब सी वॉज हार्डली टू बी इन द फादर स्टूडियो. यहाँ फादर स्टूडियो क्या? ऑलमोस्ट एंडेड ऑल फ्रेंडशिप विद हर. अब कह रहा है कि जो मिनी थी उसके पिताजी का भी मिनी से क्या हो गया था, जो सारी दोस्ती थी वो क्या हो गया था, धीरे धीरे टूट गया था. क्यों? क्योंकि जो मिनी थी वो बड़ी हो गई थी और अब उसको अब जो है मिनी के उसके उम्र के उसके दोस्त बन गए थे. इसलिए जो है चाहे वो काबली वाला का तो वो पहले ही भूल गई थी, जो साइज से उसका फ्रेंडशिप बना था वो भी टूट गया था, और जो उसके पिताजी के साथ था फ्रेंडशिप वो भी क्या हो चुका था, टूट चुका था. अब हम लोग आगे देखेंगे. सेवरल ईयर्स पास्ट मिनीज वेडिंग हैड बिन फिक्स्ड. सी वॉज टू गेट मैरिड ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज. अब कह रहा है कि कई साल बीत गए, अब मिनी की जो है वो शादी फिक्स्ड हो चुकी थी, तय हो चुकी थी. अब उसकी शादी जो है वो पूजा की छुट्टियों के दौरान होने वाली थी. आई वॉज गोइंग थ्रू द वेडिंग अकाउंट्स इन माई स्टडी व्हेन सडनली रहमत वॉक्ड इन टू द रूम एंड स्टूड बिफोर मी विद अ सलाम. अब कह रहा है कि जो ये जो राइटर हैं वो क्या कर रहे थे, शादी को लेकर के जो अकाउंट्स था वो अपने स्टडी के दौरान अपने स्टडी रूम में कर रहे थे. तो भी अचानक से क्या होता है, रहमत जो है वो रूम में आता है और उनके सामने आ करके सलाम करके खड़े हो जाता है. एट फर्स्ट आई कुडंट रिकॉग्नाइज्ड हिम, फाइनली आई रिकॉग्नाइज्ड हिम थ्रू हिज स्माइल. अब कह रहा है कि पहले जो है वो राइटर उसको पहचान नहीं पाते हैं, बट अंततः उसको पहचान लेते हैं. कैसे? तो रहमत के स्माइल से. हेलो रहमत, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बैक. अब जो है ये पूछ रहे हैं, राइटर पूछ रहे हैं कि रहमत कितने दिन से तुम आए हो, कब छूटे हो. मतलब आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल लास्ट इवनिंग. तो रहमत जो है वो कहता है कि वो जेल से कब छूटा, पिछले शाम में छूटा. मतलब आप कह सकते हो एक दिन पहले के शाम में. द वर्ड्स गेव मी अ सडन जॉल्ट. अब कह रहा है कि ये जो वर्ड्स सुनकर के जो है वो अचानक से राइटर को झटका लग गया. आई हैड नेवर सीन अ मर्डर कन्विक्ट बिफोर सो माई हर्ट फ्लिंच्ड एट द साइट ऑफ द मैन. आई विश्ड ही वुड लीव द हाउस इमिडिएटली ऑन दिस ऑस्पिशियस डे. अब कह रहा है कि ये सुन करके जो वर्ड जो मिनी के पिताजी होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो उनको एकदम पूरा झटका लग जाता है, वो उनकी बॉडी पूरी शेक हो जाती है. कहते हैं उन्होंने कभी नहीं ऐसा, आई हैड नेवर सीन, कभी नहीं ऐसा देखा था आज से पहले कि जो एक मर्डर का दोषी है, जो एक हत्या का दोषी है, और वो उनके सामने खड़ा है, वो कैसा होता है. इसलिए उनका जो दिल है वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, धड़कने लगता है. वो उम्मीद करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि जितना जल्दी हो सके जो रहमत है इस शुभ दिन के मौके पे क्या हो, यहाँ से चला जाए. वी हैव अ वेडिंग इन द हाउस टूडे एंड आई एम क्वाइट बिजी, इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो नाउ. अब इस हड़बड़ाहट में इस चीज़ से बचने के लिए, भेजने के लिए रहमत को, जो ये मिनी के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि उनके घर में क्या है, आज शादी है और वो भी बहुत बिजी हैं, इसलिए तुम चले जाओ और बाद में, अभी तुम चले जाओ. हेजिटेंटली कांट आई सी द गर्ल फॉर अ मोमेंट. वो हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या जो है वो मिनी से गर्ल, मतलब यहाँ पे गर्ल को ना मिनी की, वो मिनी से कुछ देर के लिए नहीं मिल सकता है. परहैप्स ही थॉट मिनी वॉज स्टिल द सेम लिटिल गर्ल ही हैड इवन ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ ग्रेप्स एंड अ फ्यू रेजिन्स. संभवतः उसको ऐसा लगता होगा कि मिनी जो है अभी भी क्या है, एक छोटी बच्ची है, इसलिए उसने क्या किया है रहमत ने, काबली वाला ने, कि जो अंगूर के ग्रेप्स के जो पैकेट थे और जो किशमिश के पैकेट थे उसको लेकर के आया है. देर इज़ अ फेस्टिविटी इन द हाउस टूडे, आई वॉन्ट बी पॉसिबल टू सी एनी वन एट दिस टाइम. अब जो है ये जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो वो क्या कहते हैं, अभी जो है वो घर में जो है वो फेस्टिव का सीजन चल रहा है, मतलब त्यौहार चल रहा है, इसलिए जो है वो घर में किसी से, इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू सी एनी वन एट दिस टाइम. इसलिए अभी किसी को भी घर में मिलना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि अभी सब घर में अपने अपने काम में क्या है, व्यस्त हैं. सलाम साहिब, आई ब्रॉट दिस ग्रेप्स एंड रेजिन्स फॉर द लिटिल गर्ल, होप यू डोंट माइंड गिविंग इट हर. आगे जो है वो रहमत जो कहता, सलाम कहता है साहब, वो कहता है ये जो ग्रेप्स और किशमिश जो लेके आया है मीनिंग के लिए, उम्मीद करता है वो उसको क्या करेंगे, दे देंगे.
तो जो राइटर होते हैं वो फ्रूट्स उससे ले लेते हैं, वाज अबाउट टू पे सम मनी वेन, और वो उसको उसके बदले कुछ पैसे देना चाहते हैं तभी। यू आर अ जेनरस मैन सर एंड आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, बट प्लीज डोंट पे मी फॉर दिस फ्रूट्स। आगे कहता है रहमत कि आपको पता है कि आप एक बहुत उदार व्यक्ति हो, बहुत काइंड व्यक्ति हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, इसलिए उनकी दयालुता को वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन इस फ्रूट्स के बदले, इन फलों के बदले आप पैसे मत दीजिए। जस्ट एज यू हैव अ डॉटर आई टू हैव वन बैक होम, कह रहा है कि जिस तरह से आपके पास एक बेटी है मेरे पास भी मेरे घर पे है। इट इज़ रिमेम्बरिंग हर फेस दैट आई ब्रिंग दिस गिफ्ट्स फॉर योर चाइल्ड। अब कह रहा है कि उसको जो है, जो रहमत है उसको हमेशा अपनी बेटी की याद आती थी, उसकी बेटी की याद आ गई, इसलिए जो है रहमत ने क्या ये गिफ्ट जो है उनके बच्चे के लिए लेकर क्या है, मतलब ये मिनी के लिए लेकर आया। आई डोंट कम हेयर फॉर बिजनेस, और वो यहाँ बिजनेस करने नहीं आया है। सलाम साहेब आई ब्रॉट दिस ग्रेप्स, सॉरी ये तो बता दिया गया आपको। अब रहमत क्या करता है, रहमत खान सोप्ड हिज हेड इनसाइड हिज ह्यूज बैगी शर्ट एंड ब्रॉट हिम आउट अ ग्रीमी पीस ऑफ पेपर फ्रॉम समवेयर क्लोज टू हिज चेस्ट। अब कह रहा है रहमत खान जो होता है अपने हाथ को ह्यूज बैगी शर्ट, मतलब जैसे आप देखते हो कुर्ता कह सकते हो, कि अपने कुर्ते वाले पैकेट में हाथ डालता है एंड क्या करता है, एक गंदा सा ग्रीमी, मतलब गंदा सा होता है जिसको हम लोग ग्रीमी पढ़ रहे थे, तो ये ग्रीमी मतलब एक गंदा सा पेपर का टुकड़ा निकालता है जो वो अपने कहाँ हार्ट के पास, चेस्ट के पास छिपा के रखे हुए रहता है। उसको बड़े ही ध्यान से खोलता है और खोलने के बाद उस पेपर को क्या करता है, सामने टेबल पे रख देता है। आई कुड सी द इम्प्रेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल हैंड ऑन इट क्रिएटेड विद अ बर्न चारकोल डॉब्ड ऑन द पाम। अब कह रहा है कि वो देख सकता था कि वो जो पेपर था उस पेपर पे क्या था कि एक छोटे से हाथ का निशान था, जो कैसे बनाया गया था, जैसे हम लोग करते हैं ना कभी थंब में इंक लगा करके और पेपर पे लगाते हैं, तो उसी तरह से जो था वो हाथ पे चारकोल लगा करके, मतलब कोयले का कालिख लगा करके, और उसको फिर कागज़ पे छापा गया था। ये कागज़ को वो क्या करता है, निकाल करके मिनी के पिताजी के सामने रख देता है। रहमत केम टू पेडल मर्चेंडाइज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता कैरिंग दैट मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया मतलब होता है याद, मतलब याद रखने योग्य वस्तुएं, दैट मेमोरेबिलिया ऑफ हिज डॉटर इन हिज पॉकेट। अब कह रहा है रहमत जो है वो मतलब कहाँ आया था, कोलकाता के जो गली में आया है सौदा करने के लिए, वो अपने साथ क्या लेकर के आया है, मेमोरेबिलिया मतलब जो उसके डॉटर का याद रखने योग्य वस्तु था उसको लेकर के वो आया है। मतलब ये जो पेपर था, इस पीस ऑफ पेपर में किसके हाथ के निशान है, इस छोटे सा हाथ, ये छोटा सा हाथ किसका है, तो मिनी का है। माई आईज फील विद टीयर्स एट द साइट ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर। अब उस पेपर के टुकड़े को देख करके जो है, जो मिनी के पिताजी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इट नो लॉन्गर मैटर टू मी दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी फ्रूट पेडलर फ्रॉम काबुल एंड आई बिलोंग टू एन एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली। अब कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं रह गया था उनके लिए कि वो एक साधारण सा व्यक्ति है, फल बेचने वाला है, फल का सौदागर है, जो काबुल से आया है, और ये जो इसके पिताजी हैं, मिनी के पिताजी जो है, एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है आप कह सकते हो कि जो ऑफिशियली, जो मतलब जो ऑफिस वगैरह में काम करता है, तो एक एरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली से क्या करते हैं, एरिस्टोक्रेटिक आप कह सकते हो सभ्य व्यक्ति, मतलब जिसके घर जो है वो, जिसके घर परिवार काफ़ी सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं वो, तो उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। इन अ मोमेंट आई रियलाइज दैट वी वर बोथ जस्ट द सेम, ही वॉज अ फादर एंड सो वॉज आई। अब कह रहा है कि उनको पहले लगता था कि एक बहुत ही सभ्य परिवार से हैं और ये बस एक साधारण सा फल बेचने वाला है, तो उससे क्यों मिला जाए, क्यों बातें किया जाए, लेकिन जो रहमत का जो मेमोरेबल चीज़ें होता है उसको देख करके जो है उनका दिल पिघल जाता है, वो बदल जाता है, उनका मन बदल जाता है, और वो कहते क्या है, उस समय उनको महसूस होता है कि दोनों तो एक ही जैसे हैं, ये भी एक पिता है और रहमत भी क्या है, एक पिता है। आई सेंट वर्ड फॉर मिनी टू कम आउट टू द स्टडी इमिडिएटली। अब कह रहा है कि बहुत जल्द, मतलब आप बुलावा भेजते हैं, जो मिनी के पिताजी होते हैं वो मिनी को जो है बुलाते हैं स्टडी रूम में। इन हर ब्राइडल ड्रेस एंड सेरेमोनियल मेकअप मिनी केम आउट फ्रॉम द इनर क्वार्टर्स एंड स्टूड बिसाइड मी क्वाइलीली। कोयली मतलब होता है कोयली, कोयली मतलब होता है नखरे दिखाना। तो कह रहा है कि वो जो होती है अपने ब्राइडल, मतलब एक दुल्हन जो अपना उसका दुल्हन का ड्रेस होता है और उसका जो मेकअप होता है, अपनी दुल्हन के ड्रेस में और मेकअप के ही मेकअप लगाए हुए, जो उसका मेकअप लगा होता है उस सेम फेस में जो है वो मिनी क्या होती है उस रूम में आती है। अंडरस्टूड बिसाइड मी कोयली, और मतलब थोड़ा सा शर्माते हुए जो है अपने पिताजी के बगल में खड़ी हो जाती है।
कन्फ्यूज्ड एट द साइट ऑफ मिनी इन हर वेडिंग ड्रेस द काबुलीवाला स्माइल्ड एंड आस्क्ड गुड नेचुरली। अब जो है ये दृश्य देख करके जो काबुलीवाला होता है वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है वेडिंग ड्रेस मिनी को देख करके, क्योंकि उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि मिनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, गर्ल आर यू गोइंग टू द इन लॉज हाउस, वो पूछता है कि लड़की, लड़की तो नहीं कहा होगा उसने, बाबू जो भी कहा होगा उसने, कहा कि क्या आप जो है वो ससुराल जा रहे हो। सून आफ्टर मिनी लेफ्ट रहमत स्लाउस्ड ऑन द फ्लोर विद अ लॉन्ग डीप साय। इट बिकेम ऑब्वियस टू हिम दैट हिज ओन डॉटर हैड ग्रोन अप एज वेल एंड ही वुड हैव टू गेट टू, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट गेट टू नो हर ऑल ओवर अगेन। सी वुड नॉट बी द सेम गर्ल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। ही वॉज नॉट इवन श्योर वॉट माइट हैव हैपन टू हर इन द पास्ट 8 ईयर्स। उसके थोड़े देर बाद जो है वो मिनी चल जाती है रूम से, और जो रहमत होता है वही फ्लेयर पर आगे झुक के एक डीप साई के साथ, मतलब एक गहरी सांस के साथ बैठ जाता है। ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि उसकी बेटी भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई होगी और उसको जो है अपना अब घर जाना चाहिए। नो हर ऑल ओवर अगेन, गेट टू नो, अब उसके बारे में उसको जानने के लिए जाना चाहिए। अब कह रहा है कि उसकी भी जो बेटी होगी वो अब सेम गर्ल नहीं रही होगी जैसा कि वो छोड़ करके आया था, जो जितना छोटा वो छोड़ करके आया होगा। अब वो इस बात को भी लेके श्योर नहीं था कि इन 8 सालों में उसके साथ क्या हुआ होगा। द वेडिंग म्यूजिक कंटिन्यू टू प्ले सॉफ्टली इन द कोर्टयार्ड एज रहमत वॉज इन्विजनिंग द इमेजेस ऑफ द एरिड हिली टेरेंस ऑफ अफगानिस्तान। अब कह रहा है कि जो भी शादी विवाह में जो म्यूज़िक बजते हैं वो बज रहा था आंगन में, प्रांगण में, और जो रहमत था वहीं बैठा हुआ था, वो सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा था। एरिड मतलब सूखा होता है, मतलब वो अब जाने वाला था, वो अपने अफगानिस्तान के रास्तों को याद कर रहा था। आई टुक आउट सम मनी एंड गैव इट टू हिम, जो उसके फादर थे उन्होंने कुछ पैसे को निकाला और रहमत को दी। आई न्यू आई वुड हैव टू कट आउट ऑन लाइटनिंग डेकोरेशन एंड कैंसल द बैंड पार्टी फॉर गिफ्टिंग दैट मनी, बट बियॉन्ड By a benevolent spirit, my auspicious ceremony became more luminous. अब आगे जो है वो कह रहे हैं उनको पता है कि इस पैसे देने की वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनका लाइटनिंग का कॉस्ट है, डेकोरेशन का जो कॉस्ट है, और जो बैंड पार्टी है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले के जो पैसे थे उन्होंने किसको दे दिया, रहमत को दे दिया। अरे बट प्यूर्ड बाई अ बेनिवेलेंट, लेकिन कह रहा है ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही बेनिवेलेंट मतलब उदार होता है, परोपकारी होता है। एक परोपकारी व्यक्ति के सामने ये बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। माई ऑस्पिशियस सेरेमनी बिकम मोर ल्यूमिनस। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति के स्प्रिट को देख करके, इसके व्यक्तित्व को देख करके, इसके व्यवहार को देख करके जो है जो उनका जो घर है वो बिना डेकोरेशन का भी काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो गया। यू गो बैक टू योर डॉटर रबिया इन अफगानिस्तान रहमत एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर यूनियन ब्रिंग ब्लेसिंग्स फॉर माई मिनी टू। अब कह रहा है जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि जो तुम अपने कहाँ जाओ, अपने बेटी के पास जाओ जिसका नाम क्या था, रबिया था, जो अफगानिस्तान में है, और क्या करो, उसको ढेर सारी खुशियाँ दो और उसकी बेटी को भी आशीर्वाद दो। सो दैट वॉज इन द स्टोरी काबुलीवाला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिनके लिए उनको क्या है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सो दिस वॉज इन द लेसन, आई होप दैट यू स्टूडेंट हैव इंजॉयड इट वेरी वेल। सो लिसन द पोयम वेरी केयरफुली एंड लर्न इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।